आपका अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सीरियस इश्यू पे पहली बार ये सदन में आए हैं जिन्होंने पिछले 70 सालों में ये प्रश्न के लिए लड़ाई की। जितने भी सैनिकों ने अपनी जान गंवाई, मुझे लगता है हमारा योगदान काफी नहीं है इसे समर्थन देने के लिए। मुझे लगता है सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का है तो पिछले 70 सालों के लिए ये प्रश्न पे जितने सैनिकों ने, जवानों ने वो बॉर्डर पे अपनी जवान शहीद हुए, ये उनका क्रेडिट है, उनका सब अधिकार है। कोई पार्टी, कोई पक्ष किसी के भी हक में ये नहीं जाता, ये इंसानियत के हक में जाता है। मुझे लगता है एक युवा के नाते और एक देश की नागरिक होने के नाते मैं आप लोगों को, आपको मेरी फीलिंग्स बताना चाहूंगी कि जब से कल राज्यसभा में ये निर्णय हुआ तो सोना मुश्किल था कि कब हम जाके ये बिल का समर्थन करेंगे, कि हमें इस बिल में हमारा योगदान कैसे रहेगा। आज मुझे लगता है आजादी के बाद जो सबसे बड़ा दिन होगा, 15 अगस्त को आने के लिए शायद और 8-10 दिन बाकी है, तो मुझे लगता है ये सही आजादी आज होगी और आज बिल पास होने के नाते होगी। और मुझे लगता है कि जब हम कश्मीर घूमने जाते हैं तो कश्मीर के लोग हमें पूछते हैं, आप भारत से हो? अगर वो भारत का अंग होता आज तक, अगर वहाँ के लोग हमें अपना अंग मानते, भारत को अपना अंग मानते, तो वो कभी हमसे ये प्रश्न नहीं पूछते कि आप भारत से हो कि आप कहीं और से हो। अगर उन्हें इंडिया से हो तो मुझे ऐसा लगता है आज के बाद जम्मू कश्मीर, मीर 2 मिनट्स अंडी, हाँ అరే నాకు తెలుసు మీరు ఆపోజిషన్ పార్టీలో ఉన్నారా, నేను కూడా ఆపోజిషన్ ఇండిపెండెంట్ ఉన్నాను, నేను సపోర్ట్ చేస్తున్నాను, మీ 2 మినిట్స్ ఆగండి. ఆర్ జబ్ జమ్మూ కశ్మీర్ మే హమ్ జాతే హై, जब जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो वहाँ की परिस्थिति, वहाँ पे रेस्टोरेंट, वहाँ पे ढाबे, वहाँ का खाना, वहाँ का रहना सहना और वहाँ की गरीबी जब देखते हैं तो ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि वो हमारे देश का अंग है। जिस तरीके से वो रहते हैं, जिस तरीके से उनके नॉर्म्स है, एजुकेशन से, हॉस्पिटलिटी है, वहाँ पर जो लोग सर्वाइव कर रहे हैं, मुझे लगता है बहुत कम। और आज मैं अमित शाह जी से आपका अभिनंदन करना चाहूंगी। मोदी जी जब स्पीच बोलते थे, भाषण बोलते थे कि मेरी 56 इंच की छाती है, और आज रियल माने में दिखा गया कि 56 इंच किसे बोलते हैं। पहले सेशन में लाकर सभी लोगों के सामने एक सुंदर कहा है, जब तक सूरज चांद रहेगा कश्मीर हिंदुस्तान का अंग रहेगा। और अमित शाह जी और मोदी जी, आपका नाम हर दिल में, हर जुबान में रहेगा, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। और इस बिल को समर्थन करने के लिए मैं यहाँ खड़ी हूँ, और सभी सदस्यों से भी जिन्होंने इसका बिल का समर्थन किया है। लेह लद्दाख वाले लड़के ने, एमपी ने बहुत अच्छा एकदम सपोर्टिव बोला है कि लेह लद्दाख में, कारगिल में लड़ाई कैसे होती है। मुझे लगता है ये युवाओं का एक